हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया जीके साइंस से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस पूरा वीडियो को एंड तक देखेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। तो क्वेश्चन आएगा, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? इसका आंसर होगा अम्लीय माध्यम से। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करना होता है। श्वेत रुधिर कणिका जिसे WBC भी कहते हैं का आकार निश्चित नहीं होता। श्वेत रुधिर कणिका का आकार निश्चित नहीं होता है। आगे देखते हैं, WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगीन होता है। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, इसके कारण इसका कोई रंग नहीं होता है। रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। रक्त क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। वृक्क का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। किडनी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नेफ्रॉन के द्वारा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। मनुष्य में कितनी किडनी होती है? 2 होती है। तो मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन को किडनी की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सर्व प्रमुख अंग है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सर्व प्रमुख अंग होता है। और मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। आगे देखते हैं, हम शर्करा जल में घुलनशील होता है। इसमें मुख्यतः ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। शर्करा मुख्य जल में घुलनशील होता है और इसमें मुख्यतः क्या होती है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। वृक्षांश भोजन का एक अवयव है जो पौधे में सेल्युलोज के रूप में पाया जाता है। वृक्षांश भोजन का एक अवयव होता है जो पौधे में सेल्युलोज के रूप में पाया जाता है। और वृक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती। वृक्षांश का मुख्य कार्य क्या होता है? पानी को रोक कर रखता है जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। आगे देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेल्युलोज नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेल्युलोज नहीं पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा। केंचुआ को कोई नेत्र नहीं होता। केंचुआ का कोई नेत्र नहीं होता, उसकी आंखें नहीं होती, और केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, केंचुआ की कितनी आंखें होती है? तो इसका ऑप्शन आंसर ये होगा कि केंचुआ का कोई नेत्र नहीं होगा, और किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है केंचुआ को। भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी? व्हेल शार्क है। भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्टिच है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्टिच है। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉवर्स स्प्लेंडेंस है। कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉवर्स स्प्लेंडेंस है। और मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस। मांसाहारियों में सामान्यतः आहार नाल सबसे बड़ा होता है। मांसाहारियों में सामान्यतः आहार नाल सबसे बड़ा होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा फेरस है। ओके फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कॉर्टेक्स में होती है। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कहाँ होती है? कॉर्टेक्स में। पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम।
हरित में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम। और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा होता है। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पर्णहरित में तो उपस्थित होता है मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल की कमी के कारण। और रक्तदाब का नियंत्रण अधिवक्र ग्रंथि करता है। रक्तदाब को नियंत्रण कौन करता है? अधिवक्र ग्रंथि। ओके फ्रेंड्स, ये थे जीके से साइंस से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसे डेली की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर डेली विजिट करते रहिएगा।